1964 में मौला कराची में थे और केवल के अंदर थोड़ी एशियन के विरुद्ध में गड़बड़ हुई। मौला ने कराची का प्रोग्राम दो दिन जल्दी खत्म करके भारत के साथ आया नैरोबी। नैरोबी नैरोबी के गवर्नमेंट रोड के जमा खाना जो सेंट्रल जमा खाना है, माँ बाप ने आके कहा मेरे रूहानी बच्चों, इधर की पॉलिटिकल हालत के ऊपर बिल्कुल चिंता मत करो। माय डियर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन डू नॉट वरी। साहब ने ऐसा हाथ रखा, साहब कहते आई विल वरी फॉर यू, मैं तुम्हारी चिंता करूं, यू डॉट वरी। रात को कुछ थोड़े से आदमी मौला के साथ खाने के अंदर थे, बातों बातों में से कुछ बात निकली। मौला ने हाजिरी मांगी, फरमाया कि अगर कुछ चीज गलत हो गई, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गया तो मैं 100 जेट प्लेन्स लेके आऊंगा और तुमको यहां से उठा लूंगा, और तुमको पता है कि मैं इस काबिल हूं। आई विल ब्रिंग 100 जेट प्लेन्स एंड टेक ऑल ऑफ यू आउट विद इन 12 आवर्स एंड यू नो दैट आई एम केपेबल टू डू दैट। 1964 की बात, 72 के अंदर ईदी अमीन ने जब ये शिल्प को निकाला तो आखिर के अंदर कुछ इस्माइली ऐसे रह गए जो निकल ना सके। नैरोबी से 3-4 फ्लाइट गई और इस्माइलियों को उठा लाई। जो लास्ट फ्लाइट थी उसके अंदर इस्माइली थोड़े थे और प्लेन में जगह थी, तो पर कौन के लोग हिंदू और ईसाई और बहनों को बिठा के लेके आए थे। इमाम ने निकल लिया। मौलाना हजरत इमाम को जितनी हमारी फिक्र है, इतनी उसको अपने शायरी पत्रों की फिक्र नहीं। एक दफा मैं मौला को मिलने के लिए गया जिनेवा के अंदर, तो जब हमारी मुलाकात खत्म हो गई, खड़े हुए तो मैंने यह अर्ज की, मौला खुदा मेरे को कुछ कहना है। कहता क्या है? मैंने कहा मौला मैं बच्चों को देखना चाहता हूं, आपके शहजादों को। मौला हर गरीब हंस के बोले 8 दिन से मैंने नहीं देखा। शारीरिक बच्चे याद आते हैं, मन नहीं सोचती है, रूहानी बच्चों का कुछ नहीं। तो साहब ने फौरन आंखें मिला के कहा रूहानी बच्चों को तो मैं नहीं भूल सकता। इस तरह इमाम हमारे दिलों में बैठा है। दिनदारों हम उसको बहुत प्यार करते हैं।